डीजल हो जो मोदी बने तो मोदी प्रचार में तो ₹500 में डीजल हो गया ₹100 डीजल मोदी जो ना पार में कोई काम नहीं गंगा पार में कोई काम नहीं कुछ भी नहीं। मैं गया था उधर की भाई बात सड़कें बनी है जो समाजवादी पार्टी की टाइम बनी हुई कभी भी सरकार विकास हुआ तो चुनाव तो है विधानसभा है क्या करें गांव वाले के का वोट दे साइकिल वोट दें पक्का पक्का सब लोग समझने दी राय के लिए पर यादव वही बाहुल क्षेत्र है का यादव ज्यादा है यहाँ सब ज्यादा है सब जाते हैं तो साइकिल में काहे देंगे योगी ने काम नहीं किया का काम जो गईया फाड़ के रात तक जगह जगह तक अगले दिन इतने काम कराए हो गई नहीं भाई 10 साल कराई पी क्या करा इनने नहीं गुंडा उंडा कहते हैं गुंडा उंडा कम हो गए हैं गांव गुंडा तक चलाए गए जो जो चलाए एम्बुलेंस जो 100 नंबर जो चलाए गए तक ले सके लाभ जो ले रहे चलाए गए थे ले सके उनको तो उनके जमाना में कम हो जाता है गुंडा अब ये हाँ जो घूमते ही 100 नंबर 112 नंबर जो चलाए गए हैं तक ले सके सही बात है मतलब योजनाएं अखिलेश ने दी और चलाए ये नाम इनका हो गए कि ये सब कर रहे हैं ना काका ये बात है ना पकड़ कुछ ना रहे ना ये किसान मरी गो ऐसे किसान को तो मार दिए हम गेहूं को हम खाए ले रात भर रखाओ डीजल पेट्रोल ₹100 हम डीजल हुई गो अब ₹50 जे ₹65 में डीजल होता जो मोदी बने तो मोदी प्रचार में कहते थे हाय ₹65 में डीजल हो गया ₹100 में डीजल मोदी जो कुछ नहीं कह रहे हैं जो 40 आएगी 100 आएगी 50 अब ना मोदी कुछ कह रहे हैं सही बात तो महंगाई जो बातें हैं और क्या हो पर तो जे क्षेत्र से कौन कौन लड़ने वाला है अभी तो टिकट मिला नहीं है टिकट पर क्या लगता है कौन किसको किसको मिलेगा भाजपा से किसको मिलेगा आपकी साइकिल सपा से किसको मिलेगा गांव वालों को तो सब पता है ठीक है गांव वाले कभी हम जाते हैं तो बताते नहीं है कह रहे हो गया जब जिसको मिल जाएगा उसे लेकिन हम बताएं गांव का आदमी होशियार बहुत होता है ठीक है गांव का आदमी हवा किसकी है क्या कहते हैं डॉक्टर साहब को टिकट मिले और डॉक्टर साहब को जिता देंगे आपको पक्का कहे नहीं कहे जिता देंगे अभी तो जो साकिया जी हैं यहाँ से ना उठ के जाओ उनसे पूछो डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी डॉक्टर साहब कुछ नहीं फिर भी जनता की मदद कर रहे हैं हाँ कुछ नहीं फिर भी हम आके सुने हैं दो चार गाँव साढ़े 4-5 साल जा रहे हम लोग पहचानत रहे पहचाने नहीं विधायक होने के बावजूद अभी तक क्षेत्र में भ्रमण नहीं हुआ डॉक्टर साहब अगर कोई मौत हो जाती या कोई ऐसी घटनाएं होती फिर भी क्षेत्र में आते हैं उन्होंने जब से चुनाव लड़े 8-10 सालों से कंटिन्यू उनकी वो चल रही है एम्बुलेंस से मरीज को ले जाती है अपने मेडिकल कॉलेज में ले जाने के बाद छोड़ते हैं मरीज को निःशुल्क दवा किसी को भी ऑपरेशन वगैरह सब फ्री निःशुल्क सारी सेवा जनता करते हैं इसको आप सभी लोग उठा रहे हैं सभी लोग 2 दिन बस आती है एक बात बताइए आप लोग यहाँ पर ठीक है अभी तक ये जो विधानसभा में जो विधायक थे ठीक है उन लोगों ने क्या काम किया है हाँ सामने मत खड़े होइए हाँ तो जो अभी तक यहाँ के विधायक थे उन लोगों ने क्या काम किया हमारे गंगा पार में कोई काम ही नहीं दिखाया गंगा पार में कोई काम नहीं है कुछ भी नहीं, नहीं। मैं गया था उधर की सड़कें बनी है जो समाजवादी पार्टी की टाइप की बनी हुई काम ही नहीं विकास वो कोई अमृतपुर विधानसभा इसके पहले विधायक नरेंद्र सिंह थे जी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ जो कुछ हुआ सड़कें फड़के उन्हीं का तो जब से बीजेपी सरकार साकिया जी आए तब से काम बंद सारे काम बंद है मंत्री जी कार्यालय में वो पार्टी बेर चेंज करते हैं इधर चले गए भाजपा में कहीं
अभी विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, मंत्री जी ने अपने लड़के को चुनाव लड़ाया, पार्टी के साथ गद्दारी की, अध्यक्ष में भी की। भैया मुर्दाबाद नारे लगे, नारे लगे वहाँ। अच्छा, और तो मुर्दाबाद के नारे लगे नहीं, अध्यक्ष चुनाव नहीं। तो जैसे आप लोगों के यहाँ पे खेती, सब लोग तो खेती करते होंगे, नौकरी वाला भी है जो नौकरी करते हो, आप लोगों में कोई नौकरी वाले नहीं, नहीं। अच्छा, आप बात करिए, नहीं तो मुझे आना चाहिए, फिर मुझे वैसे बताइए जी आप क्या करते हैं। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक था। अच्छा जी, और जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक पद से रिटायर हुआ। अच्छा, हाई स्कूल से आप प्रधान अध्यापक थे, बहुत बढ़िया। तो आप तो बहुत पहले से राजनीति यहाँ की देख रहे होंगे। नहीं, राजनीति देख नहीं रहे हैं। मैं राजनीति में सक्रिय था बराबर। बहुत बढ़िया, तब तो फिर हाँ। तब तो फिर मतलब सबसे ज्यादा जानकारी आपके पास ही होगी यहाँ की, इस क्षेत्र की हिसाब से है तो नहीं। तो अगर मैं 15 साल की राजनीति, पिछले 15 साल 3 पंचवर्षीय की बात करूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस 3 पंचवर्षीय में 5 साल तो योगी जी के भी गए खत्म है कि राजपुर ब्लॉक लमसम 90 मीटर लंबा है। हाँ। और 1 किलोमीटर से 9 किलोमीटर के बीच की चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई तभी राजपुर से और शरीफपुर छिछली तक जो कहा जाता है वो रोड समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बनी। इधर ये से और कहा तक रोड जाता है, सड़क भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। इसके से नीचे पर होकर रोड गुजरता है, वो रोड भी समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव पर बना था, जो कि सरकार समाजवादी पार्टी की आई तब वो सड़क बनी गई। तो हमें तो यही मालूम पड़ता है इतने राजनीतिक अनुभव में कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार तभी विकास हुआ। हमारे मंत्री जी पड़ोस में थे अमृतपुर के पास में, और एक नाला है उधर सोता नाला जिसे पूछते हैं, माननीय मंत्री जी के घर से 1 किलोमीटर पश्चिम है मात्र। जब समाजवादी पार्टी की सरकार विधायक हुए तब उस नाले पर 2 पुलों का निर्माण हुआ। अच्छा हाँ, 1 पुल का निर्माण बनासीपुर में हुआ, 1 पुल का निर्माण कराचन में हुआ, जिससे कि उधर हम लोग शाहजहांपुर से उस मार्ग से जुड़े। अंततः वो ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि बीड क्षेत्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं था और कुछ नहीं था। तो ये गंगा पार में ये बाढ़ की बड़ी समस्या है। हाँ, बाढ़ की समस्या है ना। पीपा पुल जो हम लोग कल गए थे शूट भी किए हैं उधर, है ना। तो मतलब वो 5 साल में उन्होंने उस पीपा पुल को बनवा ना पाए वो। हाँ, 1.5 साल से तो ऐसा ही बना पड़ा हुआ है खाली। हाँ, 5 साल में बीजेपी की विधायक ने कोई बड़ा काम करके दिखाया कि गांव वाले कहने की आदत तो बहुत बढ़िया काम कर दिए। नहीं, गंगा पार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जो ये RTI स्कूल ये बना हमारा समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में बना। अभी 3 महीने पहले सुशील साकिया जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सड़कें सारे मेरे कालकाल में बनी हैं। तो लेकिन हमारी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। उन्होंने गिनाया था कि ये चाचूपुर चौराहे से लेके जो मेरी विधानसभा लगती सारी सड़कें निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ है। चाचूपुर चौराहे से कौन सी सड़क का नवीन निर्माण हुआ? कोई नवीन निर्माण नहीं हुआ, वो तो पहले की सड़क थी। और यहाँ पर जो अभी सपा, आप पूरा गांव मुझे लग रहा है कि सपा के ही सपोर्ट में है, है ना, लगभग पूरा गांव। हाँ, करीब करीब लगभग 80% वोट सपा के हैं। नहीं, हुआ ही है सपा। हाँ। सपा के कार्यकाल में जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत हमारा गांव दिया गया था। उस जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत गांव का विकास हुआ, तो गांव के तो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। सही बात है, बिल्कुल 80% का वोट मिलेगा। तो यहाँ से एक अभी तो टिकट मिला नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शायद डॉक्टर साहब को, डॉक्टर जीतेंगे। नहीं, तो बात अध्यक्ष जी की है। डॉक्टर साहब को लाइक करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी दूसरे किसी को सिंबल देती है तो हम उसे नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किसको मिलना चाहिए? हम
पर्सनल लेवल पे मैं गांव वाले से पूछ रहा हूँ कि टिकट नहीं चाहते तो इसलिए डॉक्टर साहब समाज सेवी व्यक्ति हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और सामाजिक कार्यों में किए, अस्पताल बनवाए, शिक्षा के स्कूल बनवाए, तो अंदाजा तो ये किया जा रहा है कि एक व्यक्ति अगर सत्ता में पहुंचेगा तो हमारा और विकास होगा। डॉक्टर साहब को मैं बहुत लाइक करता हूं, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो। उन्होंने सुना कि कई लोगों को उन्होंने बहुत बहुत पर्सनल लेवल पे भी उन्होंने हेल्प की। हाँ, पर्सनल लेवल पर भी हेल्प करते हैं। हाँ, कोई गरीब गरीब आदमी पहुंच जाता हरी बीमारी में किसी प्रकार से, कोई तो उसकी मदद तो करते हैं, सामाजिक व्यक्ति है तो इसलिए अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उनकी तो मदद होगी। वैसे सपा जिसे सिंबल देगी उसकी मदद करेंगे। हाँ, सपा जिसको सिंबल देगी उसकी मदद करनी है, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से, हम तो युवा लोग हैं, हम भी वोट डालते हैं, तो मेरे हिसाब से कि कभी भी सत्ता एक आदमी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। नहीं रहनी चाहिए, समझ रहे? जैसे अभी 5 साल हो गए योगी जी को, आप सब लोगों ने देख लिया है कि नहीं? अब आगे 5 साल किसी और को दें, बाहर अमेरिका में क्या नियम है, 2 साल से दो पंचवर्ष से ज्यादा कोई लड़ नहीं सकता है, ठीक, फिर उसको नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है कि भाई कोई कितने बार भी लड़ता रहे, तो वो आप वोट डालना आप लोगों का हक है और आप लोग अपने हिसाब से वोट डालेंगे, है ना। लेकिन कभी भी एक ये चीज सोच करके करना चाहिए वोट की, ये जो सामने वाला है जिसको हम बटन दबा रहे हैं ना, वो आज तो है, आज तो हमारे हमसे मिलकर चला गया है ना, जब वोट आए सब पैर छूले कुछ भी कर दिए है ना, एक रात पहले पैसा बंटवा दिए, दारू बुलवा देते हैं लोग है, लेकिन फिर एक रात के बाद क्या आगे 5 साल तो आएगा कि नहीं आएगा? जब आपका बच्चा कहीं दिक्कत में होगा, जब आपका अगर कुछ होगा तो आएगा कि नहीं आएगा? है, हमारे यहाँ विधायक थे मध्य प्रदेश में, वो विधायक कैसे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ बैठ गए धरना में अपने गांव वालों को लेके, है, तो विधायक तो हो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि जो आप लोगों ने जिनसे जिनको चुना, हम तो सारे विधायकों से बात कर रहे हैं, है ना, जो आप लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब को आप लोग जिताएंगे, है ना, तो वो है, वो काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे, है ना, काम करेंगे। चुनाव ये वोट मांगने आएंगे विधायक। हाँ, आप लोग क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा, आप लोग किस मुद्दा पर उनसे बात करना चाहेंगे, क्या समस्याएं आप लोगों की, जो आप उनसे अपेक्षा करोगे कि हमको ये और मिले? अभी गांव में क्या मिला आपको? सड़क मिल गई, बिजली मिल गई, और भी कुछ चाहिए? अभी जो समस्याएं आप लोगों की उसकी मांग तो करोगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है काका? सबसे बड़ी समस्या ये सड़क की है, रात दिन भाई जो मेन समस्या है, तो आप उसकी खाली उनको जिता दो। हाँ, लेकिन उनसे कुछ अपेक्षा भी तो करोगे आप लोग? रात को साढ़ रखा हो तब घर में भैंसिया खोल ले तो चोर। अच्छा, आप लोग नहीं है? हाँ, चोरी चपोरी होती है। अच्छा, दिक्कत है, दिक्कत बहुत है। ठीक है, जब भी कोई भी विधायक आए, विधायक प्रतिनिधि आए, यहाँ पे कोई भी आए वोट मांगने के लिए, हाँ तो जे तो अपना मुद्दा अपना लोगों के सामने गाय बहुत परेशान करते हैं, अपने दर्द रखाते हैं, बहुत बहुत लोग परेशान साहब, पूरी रात सो नहीं पा रहे। अच्छा, तो जो भी समस्या है अपनी आप लोग आगे रखोगे भैया, इसमें अगर आप कार्य करोगे तभी हम आपको वोट देंगे। हम लोगों ने डॉक्टर साहब पूरी मदद करेगी, डॉक्टर साहब की पूरी मदद करी जाएगी, कि आप लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब काम करेंगे? काम करेंगे, मदद करेंगे, फिर भी मदद कर रहे हैं तो है। बिल्कुल, बीजेपी भी इतनी मदद करते था, कोई मरीज हमारे यहाँ पहुंचा वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी में पूरा पेमेंट अपने पास किया, जो भी किया खर्चा किया और घर तक उन्होंने छुड़वाया, एक पैसा नहीं थी लिया। कुल मिला के डॉक्टर को ने बहुत ज्यादा हम भाजपा ने सारी सब फसल चली गई, बेचारो नष्ट हुई हुए थे, धान बूढ़े रहे, कभी देखने नहीं आए, किसी चीज को आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं किया ही नहीं। मतलब कुछ नहीं, कभी देखा नहीं, आया था तो घूमे सभी नहीं आया, कभी विधायक जी बिल्कुल नहीं आए,
आपने यहाँ मेरे द्वारा नाव दी दवाई बांटी, कैंप लगा के हर जगह दवाइयाँ बंटवाई, राशन बंटवाया, राशन दिया, दवाइयाँ नाव दी, नाव नाव दी कभी। अरे इतने पानी में, पानी में उतर आपको वीडियो दिखाया डॉक्टर साहब, तेरे पानी में डॉक्टर साहब खुद घूमे थे क्षेत्र पूरे, वो वीडियो है। डॉक्टर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे से लगे अगर विधायक बन जाते हैं तो आप लोगों के लिए पूरी मदद करेंगे। अच्छा, बहुत आराम मिलेगा। और सुशील सक्की जी के बारे में क्या राय आप लोगों की, मांगने आते हैं? हम लोग देखा ही नहीं कभी। अच्छा, आज तक किसी ने किसी ने घूरत देखो बता दो, कोई बच्चे बच्चे पूछ लो किसी बड़े बूढ़े आज तक गाँव में ही नहीं आए। अरे कभी आज तक नहीं आगे चुनाव के टाइम पे फिर आप लोगों ने कैसे भी जीता दिया, कैसे बीजेपी को वोट दे दिया, जवाब पता नहीं कैसे जीत गए। हम लोगों ने जिताया नहीं था, हम लोगों ने वोट। अच्छा, आजा और कुछ पूछ लो आके। चाचा कुछ के लिए कि हमें पूरा यकीन है चुनाव जीतेंगे, डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे, डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। अगर टिकट मिल जाता है नहीं, अगर वाली बात तो 1% है वो तो टिकट तो उन्हें मिलना ही मिलना है, टिकट मिलेंगे मिलेगी और वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति हैं, उन लोगों की मदद करते रहते हैं और जब विधायक हो जाएंगे तो और मदद करेंगे, ये हम लोगों को उम्मीद है। हमारे अध्यक्ष जी को मौका देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। मतलब आप लोगों की यही वो है कि डॉक्टर जितेंद्र यादव को टिकट मिलना ही चाहिए, अगर गांव के उद्धार में तो विधानसभा का उद्धार कराना है तो जितेंद्र यादव को टिकट मिलना चाहिए। और सभी देख चुके, बाकी सब लोग देखा जा चुका है, कोई काम नहीं किए जा रहे। चलो बहुत अच्छी बात है भैया, उम्मीद है डॉक्टर साहब आ गया हमें उम्मीद आगे बढ़े, हम लोग आगे उम्मीद है कि जितेंद्र साहब भाई अगर उनको टिकट मिलती है तो ये कुछ गांव का भला हो सकता है, तब तक कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ की जो समस्याएं है बाती है, क्या उसका कोई वो है कि किस तरीके से अगर कोई भी जैसे विधायक आता है उनको अपनी समस्या सुनाओ कि इसका कोई उपाय हो? नहीं, हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती है। हमारे यहाँ तो दरअसल में वो उधर गंगा से उल्टा होकर के पानी आता है, पानी आ जाता है, उसकी समस्या का निराकरण कोई ऐसा उपाय आप लोगों की नजर में? ऐसा उपाय है कि वो अगर कहीं से कुछ बढ़वा दिया जाए, गंगा जी का जो बांध है वो थोड़ा बढ़वा दिया जाए, तो वो पानी इधर को आना बंद हो जाए, पानी आना बंद हो जाएगा, जिससे कुछ तो रात मिलेगी लोगों को, पूरी रात मिलेगी। गंगा जी के किनारे था उधर बंद बन जाए, हमारे यहाँ पानी खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा, सीधी धार हो जाती है एकदम, हमारे टक्कर खाती है कुछ होता ही नहीं। उत्तर रोड का सुझाव देना, अगर सुझाव बताइएगा जो भी विधायक जब बताएंगे बन जाएंगे, जब उस लायक हो जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। आप लोग अपनी अपनी समस्याएं बताना, बता हो सके कोई मदद करेंगे, पूरे बढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है बन जाते हैं तो जो भी कहेंगे वो आप पूरा काम करेंगे, मतलब काम पूरा होगा उम्मीद है, पूरी उम्मीद का पूरा विश्वास होगा, जहाँ कहीं की भी दिक्कत होगी तो आप पूरी मदद करेंगे, काम करेंगे। और किसी कोई पर्सनल समस्या हो जो डॉक्टर साहब तक पहुँचाना चाहते हो आप लोग? नहीं अभी गाँव में इतने लोग आए, किसी समस्या जब वो कुछ भगवान कृपा से हो जाएंगे तो फिर उन्हें समस्याएं बताएंगे, तो आगे अभी जो कुछ अपने स्तर से कर पाते सामाजिक व्यक्ति है शिक्षा लाभ से जुड़े हुए हैं, अभी तो जो कुछ कर पाते हैं वो करते रहते हैं, हाँ, और फिर हमारा हक बनता है, फिर उनसे हम कहेंगे कि भाई बिल्कुल आप लोग का हक बनता है, आप लोग वोट दिए हो, आप ही लोग हो आगे, आप ही लोग करवाओ, हक बनता है। जहाँ कहीं भी कोई घटना घटित हो जाती है मिले मिल जाए, जो भी कुछ मिले रात में दिन में टाइम बैठा तुरंत भाग के आते और समस्या सुनते और मदद करते, जो भी जैसी समस्या हो। अभी भैया आज से 2-3 साल पहले डॉक्टर साहब ने 101 लड़कियों की शादी कर, गरीब लड़कियों की शादी करवाई मेडिकल कॉलेज में,
मेडिकल कॉलेज में 101 गरीब लड़कियों की शादी कराई, मतलब कार्य तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो ये सभी को क्षेत्रों में, वैसे कभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी उनके बारे में चर्चा कम है, लोग नहीं जानते हैं। गांव पड़ता है छितनी, बाहर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसका छोटा सा बच्चा था, उसको डॉक्टर साहब आज 5-6 साल से पढ़ाई करवा रहे हैं और अपने निःशुल्क शिक्षा अपने कॉलेज में। अच्छा, तो क्या आप हमको मिलवा सकते हैं उनसे? बिल्कुल। हाँ, तो उस फैमिली से मिलना भी चाहेंगे हम एक बार। जी जी जी, मिलवा दे बिल्कुल। अच्छा, अमृतपुर विधानसभा में है? जी, अमृतपुर विधानसभा में। चलो ठीक है, अमृतपुर। और ऐसे कोई कार्य उनके जो गांव अगल बगल क्षेत्र में कराया उन्होंने? जी जी, वो भी कराने के वो दवाइयाँ बंटवाते, कैंप भी लगा चुका है। जी जी, गंगा पार में पूरे अच्छा, जो उन्होंने सुविधा चालू करी है उसके बारे में जानकारी है सर? जी जी जी, सभी लोगों को होगी गांव में जानकारी, सेवा जो चल रही है चल रही है, तो उसमें कोई शुल्क तो चार्ज नहीं? नहीं बिल्कुल, आने जाने मरीज भाई ये भी है कि ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं फ्री होते हैं? बहुत ज्यादा जी निःशुल्क। अच्छा, कोई गरीब आदमी पहुँच जाए बराबर पैसा, ना के बराबर पैसा है? कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता जाता वहाँ तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं तुरंत। यहाँ फैजाब जिले कई लड़के उन्होंने मदद करवा दी, पहले हम जो जितने भीड़ पड़ती थी उनके आधे त्याग में उन्होंने करवाई, गठबंधन में वहाँ फैजाब को कई लड़के उन्होंने करवा दिया, ने जो भी उनके पास पहुँच गया उन्होंने कहा उन्होंने उसकी मदद की। कोई भी नहीं है जी, हाँ जी, अपने बाप से छोड़ दो फैजाब, आप चलो इधर उधर कितनी मदद करते हैं, तो कोई लेना देना नहीं। वो बहुत अच्छे अपने क्षेत्र को तो बात ही छोड़ बाप जी लाइया, और जब हमारे पूरी मदद होगी विधायक बनेगा कमी नहीं रहेगी बिल्कुल, जब बन जाएगा तो हर आदमी पूरी रात मिलेगी, मदद करेंगे खूब जो काम।